सो लेट्स स्टार्ट अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक. थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं बेटे. हमने जो लास्ट किया था, हमने ये बेटा सारे बच्चे जब दोबारा से लिख लो ये चीज, हमने ग्राफ के बारे में लिखा. ग्राफ को वी राइट वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या रहता है? वाई has its values in terms of x. Or whenever we plot a graph, यहां पे बेटा we write x, यहां पे बेटा we write y, ये reason. और यहां पे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं. This was our very first topic. और हम लोगों ने graph की study में दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझा कि ग्राफ में हमेशा दो पैरामीटर्स रहते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं. एक हमारे पास रहता है बेटे स्लोप, और एक हमारे पास रहता है एरिया. एक हमारे पास स्लोप रहता है और एक एरिया. एक हमारे पास स्लोप रहता है और एक क्या रहता है? एरिया. और स्लोप बेसिकली बेटा क्या रहता है? टेन थीटा. और स्लोप टेन थीटा है तो ये क्या रहता है? वाई बाय एक्स, मतलब वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस. और एरिया हमेशा क्या रहता है? वाई इंटू एक्स, y into x. और स्लोप में जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें हमने ये बोला था कि स्लोप को अगर डेल्टा y by डेल्टा x लिखते हैं तो ये बेसिकली एवरेज स्लोप होता है. एवरेज स्लोप का मतलब कि आपने कोई भी ग्राफ बेटा बनाया, जैसे यहां पे x एक्सिस लिखा, यहां पे y एक्सिस लिखा, कोई भी ग्राफ बनाया, एंड यू हैव मार्क्ड एनी टू पॉइंट्स, और ये जैसे लाइंस यहां पे ड्रॉप कर दी हमने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एंगल थीटा. तो यहां से एवरेज स्लोप की वैल्यू आ गई डेल्टा y बाय डेल्टा x. क्योंकि कल बताया था कि डेल्टा का मतलब फाइनाइट डिफरेंस होता है. डेल्टा का मतलब फाइनाइट डिफरेंस होता है. और स्मॉल डी का मतलब, स्मॉल डी का मतलब बेटा, जो आज नए स्टूडेंट्स आए हैं, हमने एवरेज स्लोप जब भी लिखना है डेल्टा वाई बाय डीएक्स, डेल्टा एक्स लिखना है बेटा. और इंस्टेंटेनियस स्लोप अगर लिखना है बेटे उसको लिखना है डी बाय डीएक्स ऑफ वाई. इसको बोलना है एक बार साथ में, कॉपी पे लिखना भी ऐसे ऐसे बोलना बेटा d by dx of y. इसको बोलना ऐसे है, ओके, d by dx of y. सो दैट्स कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्लोप. अब इसका मीनिंग क्या होता है बेटे? इंस्टेंटेनियस स्लोप में हम करते क्या हैं? हम करते क्या हैं? वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व. At a given point on the curve, कि एक कोई भी given point होता है उसकी curve के ऊपर हम लोग tangent draw करते हैं. जैसे मान लो ये है, आपने बेटा कोई भी एक point यहां पे mark किया और यहां से एक tangent draw कर दिया और ये angle theta. क्योंकि आप लोगों ने अपना टेंथ क्लास में भी ये चीजें पढ़ रखी होगी कि कोई भी जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका हमेशा टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वहीं से हम लोग क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं. ओके ओके. और ये जो हमने इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज किया ना स्लोप का, इसी का नाम बेटे
जो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जो हमने लिखा है बेटा, इसी का नाम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसी का नाम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। क्लियर हो गया? इसी का नाम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ओके बेटा, क्लियर? यस सर। अब इसमें हमारे पास बेटा फॉर्मूलाज क्या रहते हैं, फॉर्मूले क्या रहते हैं, देखो एक बार। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि पहला फॉर्मूला तूने बोला सर y इज इक्वल टू x की पावर n, y इज इक्वल टू व्हाट बेटे, x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला है कुछ, इसको बोलना है बेटा, ये ना चीजें जो है बोल के समझ के आएंगे। ओके, तो यू शुड स्पीक आउट लाइक दैट ओनली, जैसे मैं बोल रहा हूँ वही वैसे ही। तो बोलने वाले हो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, डी बाय बोलने साथ साथ में, म्यूट रखो अपने आप को पर बोलो साथ में, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसका एक फॉर्मूला आता है बेटे, ये फॉर्मूला मैं इधर क्लाउड में लिखने वाला हूं, तो आप लोग भी कॉपी पे क्लाउड के जैसे लिखना। फॉर्मूला क्या है, पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, ये बोलना है बस, ये इसको बोलना है, फिर फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आप एन एक्स की पावर एन माइनस वन बोलोगे, पहला फॉर्मूला है ये तो याद हो जाएगा, पर आगे आने वाले टाइम में ये क्लाउड्स ही आपको रिलाई कराएंगे कि फॉर्मूलाज को याद कैसे करना है। इट इज लाइक पावर आगे विच इज एन और एक्स की पावर एन माइनस वन, ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखी, लिखते जाना बेटे साथ साथ में इसको, वाई इज इक्वल टू बेटे एक्स क्यूब, y is equal to what beta x cube, so dy by dx is basically called as the slope. Abhi beta proper answer na nikalna, because nikalne ko main bhi answer nikal sakta hu, par ye jo aap log steps seekh rahe ho ye bilkul naye steps hai aap logon ke liye likhne ke liye, to is wajah se properly har cheez likhna jaise main likh raha hu waise hi, kyunki ye question aise pucha jata hai, y is equal to x cube, find dy by dx, find dy by dx, तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, आ गया स्लोप किसके बराबर बेटा, d by dx ऑफ ये वाली चीज, d by dx ऑफ y। आप लोग लगेगा कि सर इसको क्यों लिखना है, जल्दी लिख देंगे खत्म कर देंगे, पर ये बिल्कुल न्यू मैथमेटिक्स है बेटा, न्यू रूल्स हैं, आप लोग अगर इसको नहीं फॉलो करोगे तो ये चीजें बाद में भूल सकती हैं। जैसे छोटे बच्चे को 3+2 सिखाने के लिए यहाँ पे करना पड़ता है, ऐसे करके वो नई नई चीजें जब सीखता है तो ऐसे काउंटिंग करके सीखता है तो वो आंसर निकालता है, पर जब उसको सारी चीजें अच्छे से आ जाती हैं तब उसको ये इसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये जब आपके रिफ्लेक्सेस में आ गया तब आप इन चीजों को ना लिखना, पर अभी के टाइम पे आप हर स्टेप को जरूर लिखना। तो ये आ गया बेटा स्लोप, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d by dx of x cube, क्या फॉर्मूला है, ये ना बोलना बेटा फॉर्मूला, ये बोलना क्लाउड बोलना, मैं ऐसे ही बोलूंगा पावर आगे, बोलूंगा पावर लिखूंगा 3, पावर आगे x की पावर 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3x square, और ये इसका आंसर। क्लियर क्लियर बेटा? यस सर। जैसे बेटा yes, x की वैल्यू 5/2, तो बोला गया बेटे फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx,
सॉल्व करना एक बार जल्दी जल्दी करना कैसे है like, let's take out. बेटा इसको क्या लिखना है स्लोप पहले प्रॉपरली लिखना बेटा d by dx of y प्रॉपरली लिखना साथ में बोलना भी ताकि याद चीज हो जाए d by dx of x की पावर 5/2 किसके बराबर होता है ये जिसने ये फॉर्मूला बोला होगा उसको याद आ गया होगा ऐसे लिखना है पावर आगे x की पावर n माइनस 1 तो इट इज लाइक व्हाट बेटे पावर आगे विच इज 5/2 और x की पावर 5/2 माइनस 1 तो ये आ गया बेटे 5/2 x की पावर 3/2 बिकॉज 5/2 माइनस 1 इज नथिंग बट 3/2 क्लियर हो गया बेटा कि नहीं Yes. चलो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं छोटा सा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3/2 फाइंड dy by dx बताओगे बेटा कैसे करेंगे क्या आंसर आएगा इसका हरिअब ओके तो यहां पे वी हैव डिटरमिन्ड दिस वैल्यू y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3/2 फाइंड dy by dx इट कम्स आउट टू बी 3/2 x की पावर माइनस 5/2 अभी देखो नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला बेटा सेकंड व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला y इज इक्वल टू c और c कौन है कांस्टेंट c कौन है बेटे कांस्टेंट इसका मतलब पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है देखो इसका मतलब क्या है बेटा कि आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करो तो आपने कोई पॉइंट मार्क कर दिया बेटा सी वाई एक्सिस के ऊपर तो एक्स की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे -1 हो चाहे कुछ भी हो पर इसकी वैल्यू हर जगह पे सी ही रहता है समय लग गया पॉइंट तो ऐसा फंक्शन आप ये भी कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये एक्स के इंडिपेंडेंट है और अगर ये एक्स के इंडिपेंडेंट है तो आप एक्स का इसका कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है सी तो आप लोगों को यह भी पता है बेटा फॉर अ लाइन यह भी पता है फॉर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप इट्स स्लोप इज जीरो इट्स स्लोप इज व्हाट बेटा जीरो बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया y is equal to c and c is what the constant और अगर आप x का वैल्यू 1, 2, 3, -1 कुछ भी पुट करोगे तो y का जो वैल्यू है वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा और ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप हमेशा जीरो होता है It is always equal to what? Zero. बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay. तो इसमें example हमारे पास क्या रहता है बेटे? For example, you are saying let it be y is a 5. Y is 5. मतलब हमने कोई graph बनाया, y की value को क्या लिख दिया? 5. तो आपके पास हमेशा इस graph में 5 ही value आएगी. इस वजह से आप लिखोगे बेटा इसका स्लोप किसके बराबर पूरा लिखना है इसको जैसे ऊपर लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ 5 विच विल बी डेफिनेटली व्हाट द जीरो ओके विच विल बी डेफिनेटली व्हाट द जीरो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it is a very simple approach. Sir, ये जो d by dx of 5 है ये first formula से आया है value zero. नहीं बेटा first नहीं ये वाला formula ये second formula
क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिख दिया ना फॉर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स स्लोप इज व्हाट जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है स्लोप ही होता है ना. यस सर. बेटे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है स्लोप. इसका स्लोप जीरो आ गया. ओके लेट मी गिव यू वन मोर पॉइंट इन दैट वे. आप ऐसे लिखो कि सेकेंड फॉर्मूला जिसमें वाई अगर कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट इक्वल टू व्हाट बेटा जीरो. अभी क्लियर हो गया. यस सर. क्लियर हो गया सभी को कि नहीं. वाई इज इक्वल टू सी तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज व्हाट बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सी. सी कौन है कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो. ओके सर. इस ग्राफ में एक्स जीरो है ना. नहीं बेटा इस ग्राफ में तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो वाई की वैल्यू हमेशा फाइव आने वाली है. ओके सर. और कोई भी लाइन जब तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा क्या रहता है उसका स्लोप जीरो. क्योंकि हमारे पास बेटा स्लोप जो रहता है वो आता कैसे है. मैं यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो अगर कोई लाइन आपने ऐसे ड्रॉ किया और ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर है और इसी का नाम हम लोग स्लोप लिख देते हैं ये वाली स्लंटनेस. ये स्लोप हाइपोटेन्यूज आ गया पर ये बेसिकली क्या आ गया स्लोप. जब ये लाइन बिल्कुल इधर आके फॉल कर जाएगी इसके ऊपर तो उसके लिए पैरेलल लाइन बन गया तो पैरेलल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो. अभी क्लियर हो गया पॉइंट. यस सर. बेटे सभी को पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं. तो डिपेंडेंट की वैल्यू इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो. मैं फिर से इसको लिख रहा हूं कॉन्स्टेंट. अच्छा जैसे एक एक और एग्जाम्पल करते हैं. मान लो आपने बोल दिया सर वाई इज इक्वल टू पाई है. पाई आपको पता है इट इज जस्ट ए नंबर. पाई इज बेटा जस्ट ए नंबर तो इसका स्लोप कैसे लिखोगे फिर से सारी चीज को बोल के क्योंकि नया नया काम है बेटा. इसको बोल बोल के लिखोगे तो इट विल बी गुड फॉर ऑल. ओके तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई. पाई इसके बराबर आ गया जीरो के क्योंकि पाई एक नंबर है कॉन्स्टेंट है नंबर है. बेटा क्लियर हो गया. यस सर. सभी को बेटा क्लियर हो गया. अच्छा एक थोड़ा सा और इसको समझते हैं. थोड़ा सा और इसको समझते हैं. मान लो हम लोगों ने कोई ग्राफ बनाया और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना मेरे पास तो मैं दो पॉइंट्स देख पा रहा हूं जो मैं इधर ड्रॉ करूंगा इस ग्राफ के लिए. एक मैं रेड पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं और एक मैं ब्लू पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं. ब्लू पॉइंट पे भी अगर मैं इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो पैरेलल आ जाएगा और अगर रेड पॉइंट का भी बेटा मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बेटा समय लग रहा है पॉइंट की नहीं. बेटा कोई भी लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना ऐसे करके हमेशा. यस सर. ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हमेशा. वही मैं बोल रहा हूं आपने कोई भी लाइन ड्रॉ किया ऐसे करके तो यहां पे बेटा आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दो बस. तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहां पे भी और यहां पे भी तो यहां पे भी बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है जीरो. और अगर तुम ये वाई की वैल्यू देखोगे तो ये एक तरह से इसकी कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा. क्लियर हो गया. yes. और ये जब तुम y की वैल्यू इसको इधर टच कर दोगे तो ये आ गया बेटा इसका मिनिमम वैल्यू तो ये इसके नीचे नहीं जा रहा. अब मैं आपको फंडामेंटल पॉइंट बताऊं. अभी बैठे बैठे हम लोगों ने ये न्यू कॉन्सेप्ट सीखे न्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके हम लोग थर्ड फॉर्मूला कर रहे हैं जैसे स्लोप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स एक्स की पावर एन. अब इसका क्लाउड बनाते हैं इधर. ये आप लोग भी क्लाउड बनाना बेटा. क्लाउड क्या है क्लाउड क्या है कॉन्स्टेंट एज इट इज. कॉन्स्टेंट एज इट इज कॉन्स्टेंट एज इट इज इनटू पावर आगे
x की पावर n माइनस वन, ये क्लाउड बोलना है बस एक बार बेटा, ये भाई एक बार क्लाउड बोल के देखो एक बार जल्दी जल्दी, कॉन्स्टेंट एज इट इज इनटू पावर आगे x की पावर n माइनस वन, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे बाद में भूल सकता है, ये वर्डिंग याद रखोगे तो नहीं भूलेगा। देखो कॉन्स्टेंट एज इट इज इनटू पावर आगे x की पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला आ गया, कॉन्स्टेंट एज इट इज पावर आगे इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे हमें स्लोप दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स की पावर थ्री, तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई किसके बराबर बेटा, डी बाय डी एक्स ऑफ फाइव एक्स क्यूब, और ये किसके बराबर आ गया, ये टर्म बोलना बेटा, अगर आपने ये बोला गलत नहीं है पर ये बाद में भूल जाएगा, कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा, इसको बोलना बेटा कॉन्स्टेंट एज इट इज, क्योंकि फाइव एक नंबर है, कॉन्स्टेंट एज इट इज इनटू पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका आंसर आ गया बेटे 15x2, इसका आंसर क्या आ गया 15x2 बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। यस सर। अब जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू 3x की पावर 2/3, ये सॉल्व करके दिखाओ जल्दी जल्दी एक बार, लेट्स चेक आउट, इसको स्लोप लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू बेटा d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ 3x रेज़ टू पावर 2/3, इसका बेटा कॉन्सेप्ट बोलना, फॉर्मूला देख के अप्लाई किया होगा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला याद करने का मेथड है उसको देख के चलना फिर याद रहेगा, पावर आगे सॉरी कॉन्स्टेंट एज इट इज इनटू पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, ये था ना कॉन्स्टेंट एज इट इज पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, बेटा थ्री को थ्री के साथ कट कर देंगे वन आ गया, तो ये आ गया 2x की पावर माइनस 1/3, ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया सभी को? अब नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, मान लो कहते हैं y जो है उसमें कोई फंक्शन u है v है w है so on, मतलब पहले हमने सिर्फ x की पावर n किया, फिर हमने अकेला कांस्टेंट किया, फिर हमने कांस्टेंट को x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो नई टर्म्स हैं उनमें प्लस माइनस भी है, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स हैं, तो यहां पे हम लोग इसका क्लाउड लिखेंगे, अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे याद रखा है मैंने भी, अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे याद रखना है क्योंकि एक से ज्यादा टर्म्स है तो अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन, तो जब तुम लोग बेटा इसका फॉर्मूला लिखना चाहोगे स्लोप का तो क्या लिखने वाले हो, d by dx of y, और ये किसके बराबर यार, d by dx of u plus minus v plus minus w plus minus so on, और ये किसके बराबर आ गया बेटा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन लिखा है, तो ये d by dx of u plus minus d by dx of v प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस माइनस सो ऑन, जो भी टर्म्स आएंगी, ओके जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा वाई जो है मान लो आपको दे रखा है बेटा 3x² माइनस 2x प्लस 1 कुछ ऐसा दे रखा है, तो वही क्वेश्चन आ गया फाइंड स्लोप, तो कैसे लिखोगे बेटा स्लोप को सॉल्व करने के लिए, क्या लिखोगे बेटा, स्लोप इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 3x²
माइनस टू एक्स प्लस वन, ओके। फिर क्या आया, ये अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा टू एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पे एट लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एट, ओके। तो अकेले अकेले की डिफरेंशिएशन आ गई। अब इसका क्या बनेगा बेटा, इसका सेकंड फॉर्मूला लगने वाला है ना, क्या था वो, कांस्टेंट एज इट इज था ना बेटे, कांस्टेंट एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, कांस्टेंट एज इट इज पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर ये माइनस है, फिर इसका भी वही बनेगा, कांस्टेंट एज इट इज पावर इसकी क्या है वन, पावर आगे एक्स की पावर वन माइनस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एट, और एट कौन है बेटा, एक नंबर, तो नंबर की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, जीरो। आपके पास बेटे फाइनल आंसर आ गया सिक्स एक्स माइनस टू, क्लियर हो गया? यस सर। बेटा क्लियर हो गया सभी को कि नहीं? यस सर। यस, लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन बेटा, वाई इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 1 by 4 ऑफ x की पावर यू कुड से 3, या इसको 4 by 3 कर देते, थोड़ा सा याद ही रखना है, माइनस 2x माइनस 2x की पावर 2 बाय 3 प्लस 3x का स्क्वायर रूट माइनस 7x प्लस 3, बताओगे इसका स्लोप क्या आएगा बेटा? इसका फाइनल आंसर वही है, कैलकुलेशन करके छोड़ दो बस, बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट्स? यस सर। इसका जो आंसर है बेटा वो आप लोग लिख लेना क्या आएगा, ओके, दैट इज योर होमवर्क, ओके। अब हम कंक्लूजन ले रहे हैं, अभी हमारा कंक्लूजन आज के क्लास का क्या है, हमने करा स्लोप, स्लोप क्या रहता है डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो बेटे डी वाई बाई डी एक्स क्या आता था, पावर आगे, इसको बोल के करना, पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, सेकेंड वाला वाई इज इक्वल टू सी, सी क्या था, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इज ए लाइन मीन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इस वजह से ये क्या रहता था, जीरो। थर्ड फॉर्मूला किया, अगर कांस्टेंट के साथ एक्स की पावर एन हो तो डी बाई डी एक्स और वाई क्या था, कांस्टेंट एज इट इज पावर आगे, अगर बेटा अकेला कांस्टेंट है तब जीरो है, पर मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, कांस्टेंट एज इट इज इनटू पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, और फोर्थ फॉर्मूला हमने किया y is equal to u plus minus v plus minus w so on, तो उसका d by dx of y क्या है, अकेले अकेले की differentiation, मतलब d by dx of u plus minus d by dx of v plus minus d by dx of w and so on. I think it's clear to you all now. So this is our today's lecture.